चलेगा। सॉरी मैंने बंद ही किया, पनीर हनी मक्खन मनमो हनी मक्खन बोले नहीं बोले। गुरु आप जल्दी आओ फटाफट करो आंटी खड़ी स्टील ले लो, स्टील ले लो, स्टील लीजिए ना क्या बात है। थैंक यू ये लेना है आपको क्या अभी अभी पहले एक फोटोग्राफ इसके साथ ऐसे चाहिए अभी ये कैसी चाहिए इसके साथ सेंटर नई लॉन्च हुई है संसार में जिसका उद्देश्य है नए से नए कलाकारों को सामने लाना और एक अच्छे सुंदर म्यूजिक को संसार में देना। और शिवोहम म्यूजिक की जो प्रस्तुत करता है जो निर्मात्री है श्रीमती शशि मारवाहा वो यहाँ मौजूद है, हम उनका स्वागत करते हैं। आज के इस भीड़ वाले युग में जब इतनी सारा म्यूजिक का एक्सप्लोरेशन हो गया है और म्यूजिक तरह तरह से बिखर गया है उसमें शिवोहम म्यूजिक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और शिवोहम म्यूजिक का पहला एल्बम साई गुरु साई बाबा के चरणों में समर्पित करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसमें हमारे जगत प्रसिद्ध गायक अनूप जरोटा जी ने अपने 3 गाने गाए हैं, शिवा ने गिरीश ने 3 गाने गाए हैं, एनी ने एक गाना गाया है, रतिका जौहरी ने गाना गाया है, अल्तमस ने गाया है, पूरन शिवा ने गाया है। कुल मिला के एक बहुत अच्छा एल्बम बना है। हमने इसको जुहू में रिकॉर्ड किया है और इसका संगीत किया है जाने माने संगीतकार जिन्होंने कितनी फिल्मों में बड़े बड़े म्यूजिक का काम किया है निखिल कामत जी ने, उन्होंने इस एल्बम को अपने म्यूजिक में ढाला है और मैंने इसके गीत लिखे हैं। कुल मिला के ये एक बहुत सुंदर बड़ा ही आध्यात्मिक और बड़ा ही रिलीजियस तरह का अनुभव है और ऐसे एल्बम बहुत कम साईं बाबा के आते हैं। मैंने लास्ट एल्बम अनूप के साथ किया था, 11 साल बाद ये एल्बम साईं बाबा के चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। हम लोग शिरडी भी गए थे और शिरडी जाके हमने बाबा के चरणों में ये एल्बम भी चढ़ाया इस एल्बम की प्रगति के लिए, इस एल्बम की सफलता के लिए और शिवोहम कंपनी के लिए हमने हर मंदिर में प्रार्थना की है। आप लोगों की पत्रकार बंधुओं की और सभी की शुभकामनाएं चाहिए ताकि ये कंपनी आगे फ्लरिश हो और इस कंपनी का जो उद्देश्य है कि नए कलाकारों को सामने लाना, बढ़िया संगीत को सामने लाना, एक अच्छा माहौल पैदा करना, उस उद्देश्य में हम सफल रहे इसके लिए हम आप सबकी शुभकामनाएं चाहते हैं। और आज ये साई गुरु एल्बम अनूप जरोटा जी के हाथों से हम इसको रिलीज कर रहे हैं और ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज साईं बाबा का दिन है, थर्सडे का दिन है, सबके परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं और इसमें गिरीश जो स्वयं एक बहुत अच्छे गायक हैं, बड़े ट्रेंड गायक हैं, निखिल जी ने पहली बार गिरीश जी को इंट्रोड्यूस किया है और गिरीश जी इस कंपनी के CEO भी हैं और हम सब मिलके इस कंपनी की प्रगति पर पूरा ध्यान देंगे और पूरे मनोयोग से इस कंपनी की प्रगति पर अपना पूरा जो भी हमसे हो सकेगा अपनी योग्यता के अनुसार हम ये करेंगे। अनूप जरोटा जी साई गुरु एल्बम का लॉन्च कर रहे हैं, इसका विमोचन कर रहे हैं, ये बड़ा ही सुंदर एल्बम है। देखिए साई बाबा का इतना सुंदर विनम्रता से ये एल्बम हम रिलीज कर रहे हैं। अनूप जरोटा और सर फ्रंट कवर फ्रंट इस एल्बम को रिलीज कर रही हैं। फ्रंट कवर खाली फ्रंट, हाँ आइए जा। एक्सक्यूज मी मैडम, हियर
मैम थोड़ा फेस लो गया। साईं बाबा हम सब पर कृपा करें और हमारे इस अभियान को सफल करें, सेंटर हमारी कंपनी को सफल करें और हम आगे प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें, ऐसी हम साईं बाबा से बधाई, सबको बधाई सर। एक मैं और गिरीश शिवो हम म्यूजिक की ओर से साई गुरु ये एल्बम एक मैं मार्केट में रिलीज कर रहे हैं, अगले में गीतकार आएगा, ऐसा ना हो कि लोग समझे सब गाने लिखे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। छोटे ग्रुप बनेंगे नहीं ऐसा ना समझे कि सब गाने इनके लिखे हुए हैं, लोग सच्चाई ना जान ले। फोर का लिखे एक आई धन्यवाद। कॉम्पैक्ट हो जाओ, कॉम्पैक्ट हो जाओ, चलो रेडी, एक एक लुक इनटू माय कैमरा। साईगुरु सबको सर इस तरफ आइए ना, कैमरा लुक इनटू माय कैमरा सेंटर, एक बार मेरे कैमरा में भी देखो भाई। थैंक यू। मैं आप अपने अनुभव बताइए, आपको कैसा लगा संगीत गीत गायन? शुरू करूं? साईं गुरु एक बहुत ही सुंदर साईं भजन का एक एल्बम है जिसमें मैंने 3 गाने गाए हैं। सभी गाने राजेश जौहरी जी ने लिखे हैं जिनके साथ हम बरसों से काम कर रहे हैं, न जाने कितने एल्बम्स राजेश जी के साथ हमने बनाए। इसमें एक ख़ास जो सुंदरता है वो ये है कि निखिल कामत जी का जो संगीत है वो संगीत बहुत ही भक्तिपूर्ण है, बहुत ही डिवोटेड है, और इस तरह का जो संगीत होता है वो लोगों के मन में बस जाता है और आसान है तो लोग उसको गा भी सकते हैं, ये भी दोनों बातें इसमें हैं। इसमें गिरीश ने बहुत मेहनत की है, गिरीश ने खुद गाया भी है, उन्हीं की कंपनी है, अपनी कंपनी से रिलीज़ भी किया है, और जो जो इसमें हमारे साथ सिंगर्स हैं मैं सबको मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि एक सुंदर एल्बम में आप सब ने गाया, और साईं बाबा ज़रूर आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगे और आप सब बहुत नाम करेंगे। धन्यवाद। हो गया जी, अभी गिरीश का इंटरव्यू ले लें। गिरीश मैं तुम्हें सवाल का देता हूँ। हाँ गिरीश जी, आप कंपनी में आपने पहली बार एक मिनट पहली बार आपने गाना गाया है, आपको कैसा लगा इस एल्बम? देखिए मैं अपने सारे सुनने वालों को यह बताना चाहूँगा कि साईं गुरु मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, मेरा ड्रीम करियर है, जिस करियर को मैं शुरू से चाहता था वही करियर में मेरी शुरुआत हुई, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि साईं बाबा ने साईं गुरु के जरिए शिवहो म्यूज़िक के वजह से मुझे लॉन्च दिया गया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इसमें राजेश जौहरी जी के लिखे हुए गाने, निखिल कामत जी का दिया हुआ म्यूज़िक, और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के साथ मुझे माइक शेयर करने का मौका दिया गया। इससे बड़ी शुरुआत, इससे बेहतरीन शुरुआत मेरी ज़िंदगी के लिए हो नहीं सकती। अब तो एक जर्नी है, मुझे उम्मीद है आप सब सुनने वालों को मेरा जो गाने हैं, मैंने 3 गाने इसमें गाए हैं, आप सबको बहुत अच्छे लगने वाले हैं, और उम्मीद है आप सब मुझे बहुत प्यार देंगे। थैंक यू। छड़ के मैं आया सारी दुनिया नु बाबा, तू ही मेरा मथुरा काशी, तू ही मेरा काबा, नेड़े बह के देखा मैंने तेरी रोशनी को, बदला है कैसे तूने मेरी जिंदगी को, ओ साई बाबा मेरा साई मेरा बाबा। थैंक यू।